पानीपत के एक छोटे से गांव की, जहां लाला भूपेंद्र का अच्छा खासा दबदबा था। लाला भूपेंद्र के बड़े बड़े खेत थे, जहां गांव के अधिकतर लोग मजदूरी किया करते थे। क्यों मुनिम जी, बताइए कि हमारे अलावा इस गांव में कोई और बाहुबली है क्या? नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं, एक आप ही बाहुबली है। लाला भूपेंद्र को वाहवाही लूटने का बड़ा शौक था। लाला भूपेंद्र का एक बेटा था देवेंद्र। लाला अपने लाडले की हर इच्छा पूरी करता था। उसके लिए नई साइकिल और ढेर सारे खिलौने भी लाया करता था। समय रेत की तरह बीता। अब देवेंद्र 15 वर्ष का हो चुका था। आज भूपेंद्र से मिलने उनके पुरोहित जी आए थे। आइए महाराज, ओहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। व्यापार में सब कुशल मंगल ना, आपकी ही कृपा है महाराज। रुक्मिणी और देवेंद्र ने भी पुरोहित से आशीर्वाद लिया। देवेंद्र बहुत बड़ा हो गया है। हाँ महाराज, और मैं इसे आपके पास लाने ही वाली थी, ताकि आप इसका भी भविष्य बता सके। देवेंद्र अपना हाथ दिखाओ हमें। पुरोहित जी ने बड़े गौर से देवेंद्र का हाथ देखा। क्या हुआ महाराज, कोई चिंता का तो विषय नहीं है? है तो, इसके भाग्य में है कि ये हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहेगा, कभी ये खुद से अपनी रोटी तक नहीं कमा पाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा बेटा है, मेरा वंशज। आपकी बात बिल्कुल गलत है। आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है और ये भी नहीं होगी। ऐसा बोलकर पुरोहित जी वहाँ से निकल गए। अब भूपेंद्र चिंतित हो गया, वो सोचने लगा, कहीं पुरोहित जी की बात सच हुई तो? नहीं नहीं, देवेंद्र जरूर कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और अगले ही दिन से भूपेंद्र ने देवेंद्र को अपने खेतों में बुलाया। मुनीम जी, आज से आप देवेंद्र को कारोबार का समझाइए। ठीक है लाला जी। मुनीम जी ने देवेंद्र को नफा तोटा समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सब बातें देवेंद्र के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। तुम समझ गए क्या छोटे लाला जी? शायद हाँ। अब मुनीम जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे छोटे लाला को कारोबार समझाएंगे। अगले दिन मुनीम जी ने देवेंद्र को खेतों के पास बैठकर मजदूरों पर नजर रखने कहा, लेकिन देवेंद्र तो देवेंद्र था, वो बैठे बैठे सो गया। और जब भूपेंद्र वहाँ पर आया तो उसने अपने लाडले की अच्छी खबर ली। ये रोज का था, देवेंद्र को कारोबार में रत्ती भर की भी दिलचस्पी नहीं थी। 2-3 साल बीत गए और अब भूपेंद्र कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया। भाग्यवान, कहीं पुरोहित जी की बात सच हो गई तो? आप ही तो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हम क्या करें? मेरा तो ये सुझाव है कि हमें देवेंद्र की शादी किसी अच्छी लड़की के साथ कर देनी चाहिए। जब परिवार की जिम्मेदारी आएगी तो वो अपने आप कारोबार में दिलचस्पी भी दिखाएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, जिम्मेदारी इसे बदल सकती है। और 6 महीने बाद भूपेंद्र ने देवेंद्र की शादी उसके मित्र उद्धव सिंह की बेटी दुर्गा से करवा दी। अब देवेंद्र की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन वो अब भी सुस्त और आलसी ही था। वो काम पर सो जाया करता था, उसे हिसाब किताब की जरा भी समझ नहीं थी। देवेंद्र की शादी के कुछ सालों बाद भूपेंद्र की तबीयत खराब होने लगी। अब वो सोच में पड़ गया कि उसका कारोबार कौन संभालेगा। तभी उसने देखा, मुनीम जी, कल आपने कहा था कि आपने भंडार में 10 बोरी अनाज रखा है। जी छोटी मालकिन, रखवाया तो था। तो आज वहाँ सिर्फ 9 बोरी अनाज कैसे? क्या सारे परिवार ने एक दिन में 1 बोरी अनाज खा लिया, या बोरी को जमीन निकल गई? वो शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी छोटी मालकिन। आप बोरियों में गलती करते हैं, न जाने कारोबार कैसे संभालते होंगे। और बस, लाला भूपेंद्र को अपना कारोबार संभालने वाली मिल गई। अगले दिन से लाला अपनी बहू को अपना कारोबार संभालने ले गए और कुछ ही दिनों में दुर्गा ने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। उसका बेटा देवेंद्र निकम्मा का निकम्मा ही रहा, लेकिन अपनी बहू को देखकर लाला भूपेंद्र बहुत खुश थे। कम से कम किसी ने तो मेरा व्यापार संभाला। लेकिन तभी उन्हें पुरोहित जी की बात याद आई। भाग्यवान, शायद पुरोहित जी सच थे, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि हमें इतनी अच्छी बहू मिल जाएगी। फिनलैंड राज्य में एक छोटा सा गांव था, जहाँ पर फ्लोरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु, उसे बत्तखों से बड़ा ही लगाव था। फ्लोरा के पिताजी फिनलैंड के बादशाह के करीबी दोस्त थे, इसीलिए बादशाह ने उनके बेटे की शादी फ्लोरा से तय की थी, पर फ्लोरा के पिता वो शादी देख ना पाए। पिताजी के जाने के बाद
फ्लोरा की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें आज ही बादशाह के बेटे से मिलने जाना चाहिए। जैसा आप ठीक समझे माँ। रास्ता बड़ा दूर का था, इसीलिए माँ ने फ्लोरा के साथ एक सेविका भी दे दी थी, जिसका नाम था क्लैरी। क्लैरी बड़ी ही धूर्त और कपटी थी। दोनों अपने अपने घोड़े पे सवार होकर सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी दूर आने पर फ्लोरा को प्यास लगी। सुनो क्लैरी, थोड़ा पानी लाना तो। हाय, मेरा पैर। क्या हुआ क्लैरी, तुम रो क्यों रही हो? लगता है मेरे पाँव में मोच आई है। माफ कीजिए, मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाऊंगी। अरे अरे क्लैरी, इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं खुद नदी पर जाकर पानी ले आती हूँ, तुम यही आराम करना। फ्लोरा अपने घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए नदी के पास पहुँचती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकती है, हाँ। क्लैरी उसे धक्का मारकर पानी में धकेल देती है। क्लैरी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे तैरना नहीं आता। हाँ, मैं जानती हूँ, अब फ्लोरा बन के मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी। हाँ, कितना सुंदर है ये तो, अब इसे मैं पहनूंगी। क्लैरी ने फ्लोरा के कपड़े पहन लिए और उसका घोड़ा लेकर वो आगे बढ़ने लगी। दूसरी तरफ फ्लोरा नदी के तेज बहाव से बहती हुई फिनलैंड के उसी शहर में आ पहुंची जहाँ पे वो बादशाह रहता था। वहाँ के मछुआरों ने उसे नदी से बाहर निकाला, वो बेहोश थी। जैसे ही वो होश में आई, उसे कुछ भी याद ना आ रहा था, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। तभी घोड़े पे सवार क्लैरी वहाँ पर आ पहुंची। फ्लोरा को वहाँ देखकर वो डर गई, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी याददाश्त खो गई है, उसे बड़ी खुशी हुई। अरे, ये तो मेरी नौकरानी क्लैरी है, मेरे कपड़े और जवाहरात लेके भाग रही थी, लेकिन तभी पाँव फिसलकर वो नदी में जा गिरी। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बेचारी फ्लोरा, उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दोनों को सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने क्लैरी को फ्लोरा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और बेचारी फ्लोरा को पूरे बाड़े की बत्तख संभालने की सजा फरमाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फ्लोरा हमेशा बत्तखों को लेके नदी के पास घूमने जाया करती थी। उसके साथ जॉन नाम का एक छोटा लड़का भी रहता था। फ्लोरा बड़े ही प्यार से बत्तखों की देखभाल किया करती थी। जब भी वो बत्तखों को बाड़े से निकालकर नदी की तरफ सैर करने निकलती, वो गाना गाने लगती। झूमते चलेंगे हम, गाते चलेंगे हम, सच्चाई का पकड़ के हाथ, नाचते चलेंगे हम, नाचते चलेंगे हम। देखो आई टोली आई, सच्चाई की टोली आई, कर रहे झूठ का सफाया, सच्चाई की टोली आई, टोली आई। थोड़े ही दिनों में फ्लोरा ने शहर के सभी लोगों का दिल जीत लिया। फ्लोरा का ये खुशनुमा स्वभाव बादशाह के भी दृष्टि में आया। ये लड़की तो बड़ी ही सच्ची और भोली लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। बादशाह ने दोनों की परीक्षा लेनी चाही। उसने जॉन को बुलाकर उसके हाथ में एक सोने का अंडा थमा दिया और उसे समझाया कि उसे क्या करना है। जॉन के वहाँ से जाने पर बादशाह ने क्लैरी को अपने पास बुलाया। बेटी फ्लोरा, आज अंडे खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्या तुम बाड़े में जाके हमारे लिए अंडे ले आओगी? मैं क्या हम क्लैरी को ये काम नहीं कह सकते, या फिर जॉन को? क्लैरी और जॉन दोनों ही बत्तखों को सैर कराने नदी के किनारे गए हैं। क्या तुम्हें जाने में कोई एतराज है? जी नहीं, तो मैं अभी जाकर बाड़े में से अंडे ले आती हूँ। क्लैरी अंडे लेने जब बाड़े पर पहुँची, उसे वहाँ पर एक सोने का अंडा दिखाई दिया। हाँ, सोने का अंडा, क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूँ। छोटा जॉन उस पर नजर रखे हुए था। जॉन ये बात बादशाह को बताता है। बादशाह उसे एक और सोने का अंडा देता है, लेकिन इस बार वो फ्लोरा को अंडे लाने कहता है। फ्लोरा को भी बाड़े में सोने का अंडा मिलता है, लेकिन फ्लोरा वो अंडा बादशाह के पास ले आती है। बादशाह फ्लोरा की ईमानदारी पर बहुत खुश होता है। तुम वाकई में नेक दिल और सच्ची लगती हो, ये अंडा तुम अपने पास ही रखो। अब बादशाह फिर एक बार जॉन को बुलाता है और उसे फ्लोरा का घोड़ा सौंप कर कुछ काम बताता है।
दूसरे दिन बादशाह दोनों लड़कियों को अपने दरबार में बुलाता है। बेटी फ्लोरा, आज तुम्हारी हमारे बेटे के साथ शादी होने वाली है। हमें तुम्हारे पिताजी की आज बड़ी याद आ रही है। वो एक अच्छे व्यापारी तो थे ही, मगर साथ ही में वो एक अच्छे गायक भी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी आवाज में भी जादू है, क्या तुम हमें कुछ गा के सुनाओगी? मैं? क्यों? क्या हुआ? क्या तुम्हें गाना नहीं आता? तुम्हारी ये नौकरानी तो बड़ा ही अच्छा गा लेती है। क्या सच में ये तुम्हारी नौकरानी है या फिर तुम हो इसकी नौकरानी? जी आप ये क्या कह रहे हो? मैं ही फ्लोरा हूँ। खामोश सफेद झूठ, क्या तुम्हें बाड़े में सोने का अंडा नहीं मिला था? सोने का अंडा? तभी जॉन वहाँ पे फ्लोरा की माँ को ले आता है। फ्लोरा की माँ को देख क्लैरी के होश उड़ जाते हैं। क्यों, आ गया ना चक्कर? क्लैरी, ये हमेशा याद रखना कि झूठ की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की ही होती है। झूठ चाहे कितना भी चिल्लाए, वो सच्चाई को कभी नहीं मिटा सकता। गिरफ्तार कर लो इस झूठी लड़की को और तहखाने में बंद कर दो। क्लैरी गिड़गिड़ाने लगती है, मगर सैनिक उसकी एक नहीं सुनते। बादशाह फ्लोरा की माफी मांगता है और उसका हाथ अपने बेटे के हाथों में सौंपता है। बेटी, क्या तुम हमें फिर से वही गाना सुनाओगी जो तुम उन बत्तकों के साथ गाया करती थी? देखो आई टोली आई, सच्चाई की टोली आई, करने झूठ का सफाया, सच्चाई की टोली आई। टोली।